प्रिय स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टसर सिल्क मॉथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। यहाँ पर देखिए कुछ सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स के क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसमें इम्पोर्टेंट जो हैं वो डोमेस्टिक मलबेरी सिल्क वर्म है और नॉन मलबेरी सिल्क वर्म है। जो मलबेरी सिल्क वर्म है उसको हम बॉम्बेक्स मोराई के नाम से जानते हैं, और जो नॉन मलबेरी जो सिल्क वर्म है वो तीन प्रकार के यहाँ पर शो किए गए हैं। मूंगा सिल्क वर्म जो कि एंथेरिया असमा या असमांसिस से प्राप्त होता है, इरी सिल्क वर्म जो कि फाइलोसेमिया रिसिनी से प्राप्त होता है, और टसर सिल्क वर्म जो कि एंथेरिया माइलेटा से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कुछ और जो आर्थ्रोपोड्स हैं जैसे स्पाइडर, इससे हमें गोसेमर सिल्क प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ कुछ एंट स्पेसीज और हनी बीज के द्वारा भी जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर केवल हम फोकस करेंगे मलबेरी सिल्क वर्म और नॉन मलबेरी सिल्क वर्म की जो स्पेसीज हैं उन पर। इंडिया जो है, इंडिया इज द यूनिक कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस ऑल द फोर नॉन वेराइटीज ऑफ सिल्क, नेमली मलबेरी, टसर। टसर जो सिल्क है वो दो प्रकार की होती है, ट्रॉपिकल टसर सिल्क और टेम्परेट टसर सिल्क। ट्रॉपिकल टसर सिल्क जो है, या ट्रॉपिकल जो टसर मॉथ है, वो ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, जैसे छत्तीसगढ़, MP। और टेम्परेट जो टसर है वो ऐसे एरियाज में प्रोड्यूस होती है जहाँ पर टेम्परेचर जो है लो रहता है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर ये इस प्रकार की जो है टसर प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा जो नॉन मलबेरी सिल्क की जो और भी टाइप्स हैं उनमें मूंगा और इरी का भी एक विशेष स्थान है। तो इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री जिसमें चारों प्रकार का जो टसर जो सिल्क है वो प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो मलबेरी सिल्क हो, चाहे वो टसर सिल्क हो, चाहे मूंगा सिल्क हो, और वो चाहे इरी सिल्क हो। एक्सेप्ट मलबेरी, अदर वराइटीज ऑफ सिल्क आर जनरली टर्म्ड एज नॉन मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क के अलावा जो अदर वराइटीज हैं सिल्क की उनको हम नॉन मलबेरी सिल्क के नाम से जानते हैं। और इंडिया और चाइना का जो है इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, इंडिया और चाइना, फॉर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। जो मोस्ट ऑफ द जो सिल्क जो है वो इंडिया और चाइना के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इंडिया में भी जो कर्नाटक जो स्टेट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा टसर प्रोड्यूस की जाती है। अगर हम टैक्सोनॉमी ऑफ टसर मॉथ के बारे में बात करें, ये हमारा जो टॉपिक है वो टसर मॉथ पे ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। अगर हम टसर मॉथ की क्लासिफिकेशन की बात करें तो टसर मॉथ जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आती है, क्लास इसकी इंसेक्टा है, ऑर्डर जो है वो लेपिडोप्टेरा, और इसकी जो सुपर फैमिली है वो बॉम्बाइकोइडिया है, फैमिली इसकी सैटर्निडी है, जीनस इसकी एंथेरिया है, और स्पीसीज है इसकी माइलेटा। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिल्क मॉथ की बात करें इंडिया में, तो जो एंथेरिया माइलेटा है सिल्क मॉथ में भी हम लोग जो है नॉन मलबेरी सिल्क को यहाँ पर फोकस्ड कर रहे हैं। एंथेरिया माइलेटा की हम बात करें तो ट्रॉपिकल टसर सिल्क वर्म एंथेरिया माइलेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो ट्रॉपिकल जो टसर सिल्क वर्म है एंथेरिया माइलेटा, वो जो है मध्य भारत में अधिकांश पाई जाती है जहाँ पर टेम्परेचर जो है थोड़ा सा हाई रहता है। द कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ट्रॉपिकल टसर और इंडियन टसर सिल्क इंसेक्ट एंथेरिया माइलेटा ड्यूरी लेपिडोप्टेरा सैटर्निडी। देखिए जो कमर्शियली जो ट्रॉपिकल टसर जो प्रोड्यूस होती है एंथेरिया माइलेटा के द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती है, और एंथेरिया माइलेटा जो है क्लास इंसेक्टा का मेंबर है। इसका जो ऑर्डर है वो लेपिडोप्टेरा है, और इसकी जो फैमिली है वो सैटर्निडी है। इसकी लगभग 44 इको रेसेस जो इंडिया में रिपोर्टेड हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं। इनके अलग अलग इनका फिनोटिपिक होता है, और इनकी फिजियोलॉजी और इनका जो बिहेवियर है वो सब अलग अलग होते हैं। तो एंथेरिया माइलेटा जो है उसकी 44 इको रेसेस जो इंडिया में रिपोर्टेड हैं। इनकी जो कुछ जो इको रेसेस हैं
या इनकी जो अलग अलग वैरायटी हैं, जो इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं, इसमें देखिए जो छत्तीसगढ़ रीजन में जो टसर मॉस की जो वैरायटी मिलती है या एंथीरिया मेलिटा की जो वैरायटी मिलती है उसको हम रैली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसकी देखिए मोडल और जाटा जो वैरायटी हैं वो उड़ीसा में पाई जाती हैं, सरिहन और लहरिया जो है वो झारखंड में ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में देखिए भंडारा जो है इस वैरायटी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश में आंध्रा वैरायटी मिलती है, और इसके अलावा देखिए डाबा और सुगिंडा आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर लाइवलीहुड एंड एलिवेटिंग द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अराउंड 150,000 इंडियन ट्राइबल फैमिलीज, है ना। इस पे जो जनरली जो नॉन मलबरी सिल्कवर्म है वो ट्राइबल फैमिलीज के द्वारा जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं इंडिया में उनके द्वारा ज़्यादा इनका रियरिंग की जाती है, जिससे उनका आजीविका भी, जिससे उनका जो लाइवलीहुड है या इनकी जो आजीविका है वो उनको प्राप्त होती रहती है। तो जो एंथीरिया माइलेटा है वो जनरली जो है मल्टी वोल्टाइन स्पीसीज है, अर्थात मल्टी वोल्टाइन मीन इसकी एक साल में एक से ज़्यादा जनरेशन प्रोड्यूस होती हैं, और दिस इज पॉलीफेगस इन नेचर। पॉलीफेगस मीन्स इनका जो फूड प्लांट्स हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। एंथीरिया माइलेटा फीड्स मोर देन वन स्पीसीज ऑफ प्लांट। द सिरिसिजिनस इंसेक्ट, सिरिसिजिनस मीन्स सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट आर नोन एज सिरिसिजिनस। ये जो एंथीरिया माइलेटा है वो जनरली जो है इनका जो प्राथमिक जो भोजन है वो सोरिया रोबस्टा, जिसको हम साल के नाम से जानते हैं, टर्मिनेलिया अर्जुना जो अर्जुन है, और टर्मिनेलिया टोमेंटोसा जो आसन के नाम से जानते हैं हिंदी में से, इन पर ये जनरली जो है फीड करते हैं। इनके जो कोकून्स होते हैं वो ग्रे वाइट कलर के और बहुत टफ होते हैं, और इनमें पेडेंकल पाया जाता है। देखिए दूसरी जो नॉन मलबेरी स्पीसीज है वो है एंथेरिया प्रोलेई। एंथेरिया प्रोलेई जो है वो टेम्परेट टसर के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम ओक टसर के नाम से भी जानते हैं, और ये ऐसे इंडियन रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर कि टेम्परेचर जनरली कम होता है, जैसे जो हिमालयन जो स्टेट्स हैं या जम्मू एंड कश्मीर है या हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पर इस तरह का जो है एंथीरिया प्रोलाई बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेम्परेट प्लेसेस लाइक सब हिमालयन बेल्ट ऑफ इंडिया, जैसे जम्मू और कश्मीर, और नॉर्थ वेस्ट टू मणिपुर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में भी एंथीरिया प्रोलाई जो है वो पाया जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट्स ऑफ टेम्परेट टसर, ये जो टेम्परेट टसर जो मॉथ है एंथीरिया प्रोलाई, इसके जो इम्पॉर्टेंट जो फूड प्लांट्स हैं उसमें देखिए क्वेरकस सेरेटा, क्वेरकस सेमी सेरेटा, क्वेरकस ग्रिप्ती, क्वेरकस ल्यूकोट्रोपिकोफोरा, क्वेरकस डेलबेटा, और बहुत सारी देखिए इसमें स्पेसीज हैं, जैसे क्वेरकस हिमालयना है और बहुत सी और भी स्पेसीज हैं, और जो फूड प्लांट की स्पेसीज है जिन पर एंथेरिया प्रोलाई जो है फीड करते हैं। इनके जो कोकून्स होते हैं एंथेरिया प्रोलाई के वो देखिए ग्रे वाइट इन कलर, हल्के से जो है ग्रे कलर या हल्का वाइट कलर लिए हुए होते हैं इनके कोकून्स। अब देखिए दूसरी जो नॉन मलबरी जो स्पेसीज है वो है एंथेरिया एस्मेंसिस, इसको हम मुगा सिल्कवर्म के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो इसके द्वारा जो सिल्क प्रोड्यूस होती है वो गोल्डन येलो कलर की होती है, गोल्डन येलो कलर। और ये जो स्पेसीज है एंथेरिया एस्मेंसिस ये भी पॉलीफेगस स्पेसीज है, अर्थात ये एक से अधिक जो प्लांट पर फूड के लिए डिपेंड रहती है, और मल्टी वोल्टाइन स्पेसीज भी है। मल्टी वोल्टाइन मीन्स मैंने बताया मैंने अभी कि इनकी एक साल में एक से अधिक जनरेशन जो है हो जाती हैं। इट इज़ ए यूनिक मोनोपोली इन इंडिया, ये जो इस प्रकार की जो मौत है या इस प्रकार का जो सिल्क जो प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट वो केवल इंडिया में ही पाया जाता है, इंडिया में इसकी जो है मोनोपोली है। द वर्ल्ड फॉर्म्स ऑफ दिस स्पेसीज वर फाउंड मोस्टली इन द इंडिया, है ना। ये जो वाइल्ड फॉर्म है या एंथीरिया एस्मेंसिस है वो इंडिया के जो अधिकांश भागों में पाई जाती है, पर्टिकुलरली जो ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो ब्रह्मपुत्र जो क्षेत्र है असम का, और असम के जो और भी जो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जनरली ये पाई जाती है। इट इज पॉलीफेगस इंसेक्ट विच फीड्स ऑन लीव्स ऑफ सोम एंड सोलू एंड अदर प्लांट। जनरली जो ये मॉथ है जो टेम्परेट जो टसर मॉथ है वो सोम और सोलू जो प्लांट्स हैं उन पर ये फीड करती है।
जी ककून्स आर वीकली पेडेंकलेट, इनके जो ककून्स होते हैं उनमें पेडेंकल जो है वो बहुत छोटा पाया जाता है, बहुत छोटा पेडेंकल होता है। इट इज़ पॉपुलर फॉर इट नेचुरल गोल्डन कलर, इनकी जो सिल्क होती है उसमें एक नेचुरल गोल्डन कलर देखने को मिलता है। और इनकी देखिए इस मौत को भी आप देखेंगे तो इसका कलर देखिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि गोल्डन कलर लिए हुए है। तो एंथेरिया एस्मेंसिस के बारे में आपने जाना। तीसरी जो स्पेसीज है नॉन मलबेरी सिल्क की वो है इरी सिल्क वॉर्म, इसको हम सेमिया साइंथिया रिसनी के नाम से भी जानते हैं। द इरी सिल्क वॉर्म सेमिया साइंथिया रिसनी बिलोंग टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। जैसे मैंने बताया सभी जो टसर मॉथ हैं वो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा को बिलोंग करती हैं और इनकी जो फैमिली है वो सैटर्निडी है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड एंड पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन इंडिया। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है। द इरी सिल्क प्रोडक्शन इज एन इनहेबिटेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री पर्टिकुलरली इन असम। ये भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम वहाँ पर ये ज़्यादा प्रोड्यूस ज़्यादा जो है देखने को मिलती है। दिस इंसेक्ट ये इंसेक्ट भी पॉलीफेगस है। दिस इंसेक्ट इज पॉलीफेगस विच फीड्स प्राइमरली कैस्टर रिसिनस कम्युनिस। ये जनरली जो है वो कैस्टर जो प्लांट होते हैं, जो अरंडी के पौधे होते हैं, उन पर ये फीड करती है। बट इट आल्सो फीड्स ऑन ए वाइड रेंज ऑफ फूड प्लांट्स लाइक हेट्रोपेनेक्स फ्रेगनेंस मैनीहॉट यूटिलिसमा इवोडिया फ्लेक्सिनिफोलिया। इसके अलावा ये और भी जो प्लांट हैं उन पर भी जो है फीड करती है। तो ये भी एक पॉलीफेगस स्पीसीज का एग्जाम्पल है। इनके जो कोकून्स होते हैं वो ब्रिक रेड इन कलर होते हैं एंड नॉन रीलेबल, इनको जो रील नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिल्क मॉथ की। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये जनरली जो नॉन मलबेरी सिल्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंथेरिया स्पेसीज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड बट मोर एबंडेंट इन एशियन कंट्री। जनरली जो नॉन मलबेरी सिल्क मॉथ की जो स्पेसीज हैं वो जो है एशियन कंट्रीज में ज़्यादा जो है पाई जाती हैं। एंथेरिया माइलेटा आल्सो कॉल्ड एज इंडियन टसर। एंथेरिया माइलेटा को इंडियन टसर के नाम से जानते हैं विच इज कॉमर्शियली रियरिंग इन इंडिया, जिसको कि व्यवसायिक कार्यों के लिए इंडिया में जो है इसका रियरिंग की जाती है। ओक टसर मॉथ मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेम्परेट रीजन। जो ओक टसर है वो भारत के जो टेम्परेट क्षेत्र हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पर इस प्रकार की जो सिल्क वर्म की रियरिंग की जाती है। नॉन मलबेरी सिरेसिजिनस फ्लोरा एंड फोना आल्सो एक्सटेंसिवली अवेलेबल इन जापान। इसके अलावा इंडिया और चाइना के बाद जो जापान में भी जो नॉन मलबेरी जो सिल्क वर्म है, जो नॉन मलबेरी सिल्क वर्म सिल्क प्रोड्यूस करने वाले जो वर्म्स हैं वो जापान में भी पाए जाते हैं। विच इज रियरिंग टसर सिल्क बाई द सिल्क वर्म एंथेरिया यामामई एंड एंथेरिया परनाई। जापान में जो नॉन मलबेरी सिल्क प्रोड्यूस करने वाली जो वैरायटी हैं वो एंथेरिया यामामई हैं और एंथेरिया परनाई हैं ना। ये दोनों जो स्पीसीज हैं वो जनरली एशियन कंट्री जापान में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एंथेरिया पॉलीफेमस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में भी एंथेरिया की जो स्पीसीज पॉलीफेमस है वो देखने को मिलती है। बट दिस आल्सो नॉट एक्सप्लॉयटेड कमर्शियली इन अमेरिका, लेकिन इसका जो है बहुत ज़्यादा व्यावसायिक रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अदर नॉन कमर्शियल एक्सप्लॉयटेड सिल्कवर्म आर एंथेरिया सेवालिका। कुछ और भी जो हैं जिनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कम है ऐसी जो स्पेसीज जो है एंथेरिया की वो एंथेरिया सेवालिका, एंथेरिया रॉयली, एंथेरिया कॉम्प्टा, एंथेरिया हेल्फेरी, एंथेरिया फ्रिथी, एंथेरिया अंडमाना, एंथेरिया कैस्टेनिया और एंथेरिया नेविटी। जो कुछ ऐसी स्पेसीज हैं जो कि नॉन कमर्शियली जो है इनका रियरिंग की जाती है। देयर इज ए नीड फॉर सिस्टमेटिक स्टडीज पर्टिकुलरली फॉर नॉन मलबेरी सिल्कवर्म विच आर नॉट कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड। इसके अलावा बहुत सारी और भी स्पेसीज हैं जिनके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है, तो इनको जो है इनकी जो सिस्टमेटिक पोजिशंस और इनको जो है एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे इनको जो है व्यवसायिक जो कार्यों में इनका यूज किया जा सके और जो हमारे ट्राइबल्स बेल्ट में रहने वाले लोग हैं उनकी आजीविका सुचारू रूप से चल सके। तो आपने यहाँ पर जाना कि नॉन मलबेरी सिल्क की जो स्पेसीज हैं वो कौन कौन सी हैं और
किन किन क्षेत्रों में ये ज़्यादा जो है पाई जाती हैं। आपने क्लासिफिकेशन देखा टसर मौत का, टसर मौत की जनरली दो वैरायटी हमने पढ़ी, ट्रॉपिकल टसर मौत और टेम्परेट टसर मौत। ट्रॉपिकल टसर मौत जनरली जो हमारे छत्तीसगढ़ और एमपी रीजन, जहाँ पर की टेम्परेचर, और भी ऐसे जो क्षेत्र जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है, वहाँ पर ट्रॉपिकल टसर मौत ज़्यादा मिलती है। और दूसरी जो इसकी वैरायटी है वो है टेम्परेट टसर मौत, जिसको हमने किस नाम से जानते हैं, एंथेरिया माइलिटा, तो ट्रॉपिकल टसर हो गई। इसके अलावा जो एंथेरिया प्रोलाई जो है टेम्परेट टसर मौत के नाम से जानी जाती है, जो कि इंडिया के जो हिमालयन जो स्टेट हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में ये जनरली देखने को मिलती है। तो ये एक हमारा इनिशिएटिव था अबाउट द टसर मौत, जिसे आप लोग जो है जो टसर मौत की जो स्पेसीज हैं जो या जो नॉन मलबेरी जो सिल्क प्रोड्यूसिंग जो इंसेक्ट वैरायटी हैं या मौत की जो वैरायटी हैं उसके बारे में यहाँ पर आपने थोड़ा सा एलिमेंट्री नॉलेज हमने आपको दी है। तो जनरली ये टॉपिक आपके लिए यूजफुल होगा, और इसी तरीके से आप हमारे जो चैनल्स हैं उनको, चैनल के जो वीडियोज़ हैं उनको देखते रहें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें, और हमारे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।